मैं हूँ हेमा और आप मुझे देख रहे हैं फर्स्ट टाइम इस चैनल पर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हर ट्यूसडे और सैटरडे हम आते हैं बहुत इंटरेस्टिंग रेसिपीज के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज इस वीडियो की तरफ। आज जो है हम बना रहे हैं बैंगन भाजा और ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, बहुत ही इजी है बनाने के लिए। मैं आपको बता दूं, जब आप ताजा सब्जी रोटी बना रहे हैं उसके साथ साथ कभी आप बैंगन भाजा भी बनाकर देखें, ये जो है आपके खाने का स्वाद और ज्यादा बढ़ा देगा। और इस वीडियो में जो है हमने की हुई एक एक्सपेरिमेंटल कुकिंग, तो वो देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा ये वीडियो पूरी एंड। देख चुके हैं ये इंटरेस्टिंग सी वीडियो, आप इंटरेस्टिंग से टिप्स देखें ताकि जब भी आप बैंगन भाजा घर पर बनाएं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहली चीज ये होगी कि जब भी आप बैंगन भाजा बनाने वाले हैं तो हमेशा याद रखें कि पूरा मसाला साथ में रेडी कर लें और उसके बाद बैंगन काटें और तुरंत उसको जो है आपने कोटिंग लगा लेनी है मसालों की, वरना बैंगन जो है काले पड़ जाते हैं। चीज ये है, जब भी आप बैंगन पे कोटिंग कर रहे हैं मसालों की तो उसे 10-15 मिनट के लिए साइड में रख दें कोटिंग करने के बाद। इससे जो है मसाले अच्छे तरीके से जो है चिपक जाएंगे बैंगन के ऊपर,
ये होता है नमक के वजह से. नमक के वजह से जो है सब्जियां पानी छोड़ती हैं और उसके कारण जो है ये सारे मसाले अच्छे से बैंगन में चिपक जाएंगे. तो इससे जो क्या होगा कि आपको इसे पकाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, वरना मसाले यहाँ वहाँ गिरते रहेंगे. लास्ट चीज़ ये है कि अगर आपको बैंगन भाजा को बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनाना है, लहसुन अदरक मिर्ची का जो अपने बहुत फाइन पेस्ट बनाना है, मसाले में डालना है और उसके बाद जो है बैंगन भाजा बनाए, ये बहुत ही चटकदार बनेंगे. तो ये रही हमारी बैंगन भाजा की रेसिपी प्लस चीज़ी बैंगन भाजा. ज़रूर ट्राई करेगा अगर आपके घर पर कभी मेहमान आते हैं, बच्चे ही बैंगन नहीं खाते हैं, तो इस तरह से बैंगन भाजा परोसे किसी को कानो कान खबर नहीं लगेगी कि आपने इसमें क्या डाला है. तो चलिए चलते हैं, आप मिलती हूँ मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें और हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहें. और उसके साथ साथ जो है अगर आपके पास कोई भी वीडियो सजेशंस है तो वो आप ड्रॉप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में. मैं वो वीडियो के साथ ज़रूर आऊँगी इसी चैनल पर हर ट्यूजडे और सैटरडेज को. बाय.